तो दोस्तों हमारी ये फोटो है ऐसी, इसके अंदर हमने फॉग इफेक्ट तैयार किया ऐसा, फिर इसके अंदर एक और फॉग इफेक्ट डाला ऐसे। तो ये फॉग इफेक्ट हमने कैसे इस फोटो के अंदर डाला वो आप आज सीखोगे पूरी वीडियो के अंदर। 2-4 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो गाइज, माय नेम इज बनियान, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला कैसे आप फोटो के अंदर फॉग इफेक्ट तैयार करोगे, फॉग इफेक्ट बनाओगे, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कैसे हमने ये इफेक्ट बनाया से लेकर हम कैसे बनाएंगे तक ये इफेक्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। पूरा कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको मैं समझाऊंगा, फोटोशॉप में हम ये सब करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो आप आगे वीडियो में देख के समझोगे। एंड मैं स्टोरी टेलिंग वगैरह अभी ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहा, आगे इन फ्यूचर में आपके लिए स्टोरी टेलिंग वगैरह वीडियो भी लाऊंगा। स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, स्टोरी टेलिंग मैं खुद करना सीखूंगा पहले, फिर आप तक लाऊंगा, क्योंकि अभी सिंपल वीडियोज भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग के लिए मशीन नहीं है। एडिटिंग के लिए मशीन है लेकिन इतना वर्क नहीं करती अच्छे से, तो मैं एडिटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा स्टोरी टेलिंग में हम कैसे करेंगे, स्टोरी टेलिंग कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह। तो मैं गाइज स्टार्ट करता हूँ मैं आज की इस कंप्यूटर की स्क्रीन को। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको जस्ट क्या करना है, फोटोशॉप ओपन करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप ओपन कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, एक फोटो नेट से उठाता हूँ, प्री वेडिंग फॉग फोटो या कुछ मैंने सर्च किया है। ये सिंपल सी हमारी फोटो है, फॉग फोटो नहीं है, सिंपल सी फोटो है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल बनाऊंगा एंड क्लिपबोर्ड वाली साइज ओके कर दूंगा। तो करते हैं इसके अंदर पेस्ट। अभी देख सकते हो ये फोटो है हमारी ऐसी। अब इस फोटो के अंदर जाना है हमें, इसके अंदर फॉग कैसे क्रिएट करेंगे, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, नहीं ले लेके फिर यहाँ से ब्रश लेंगे, फिर यहाँ से ग्लो इफेक्ट फ्लो इफेक्ट वगैरह बढ़ा के इसके अंदर फोरग्राउंड के अंदर वाइट कलर कर देंगे, एंड इधर ऐसे फॉग कर सकते हैं हम। ये भी तो रियलिस्टिक लग रहा है, देखो। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तरीके से करेंगे, एक तरीके से करेंगे हम। तो जाएंगे हम फिल्टर के अंदर, फिर जाएंगे हम न्यूट्रल फिल्टर, न्यूट्रल फिल्टर में, न्यूट्रल फिल्टर है, न्यूट्रल फिल्टर है, हाँ न्यूट्रल फिल्टर है। तो ये हमारा ओपन हो रहा है, इसके अंदर हमें एक इफेक्ट ऑन करना है, जो कौन सा इसमें से, देखो फॉग कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जस्ट यहाँ पे डेप्थ ब्लर वाले पे क्लिक करना है एंड इसको ऑन करना है। ऑन करने बाद आपके डिवाइस के अंदर देखो प्रोसेस ऑन डिवाइस लिखा हुआ रहा है, थोड़ा सा वक्त लेगा ये, ज़्यादा नहीं 5-7 सेकंड ले सकता है या 2-3 सेकंड ही ले सकता है। फिर जस्ट आपको करना है आउटपुट डेप्थ मैप ओनली, यहाँ पे इस वाले पे टिक करना है ताकि ये प्रोसेस तुरंत हो जाए, आपको दोबारा से प्रोसेस करने ना पड़े। ये प्रोसेस देखो दोबारा से हो रहा है, लेकिन आपको आउटपुट डेप्थ मैप ओनली पे क्लिक करना है, आउटपुट डेप्थ मैप ओनली। ऐसे क्लिक करने बाद ये फोटो ऐसी हो जाएगी, जस्ट आपको ओके करना है और ये नई लेयर में आ जाएगी। देखो नई लेयर में आ गई, इससे हम लोगो भी बना सकते हैं, खुद की फोटो का एक लोगो बना सकते हैं ऐसे, जो कि मैं आपको आपके लिए बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा आपके लिए। तो फिर आपको क्या करना है, इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है, ब्लेंड मोड को करना है स्क्रीन पे। ये हमारा फॉग इफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। फिर आपको एक नई लेयर लेनी है, जो कि हमें लेना है लेवल्स, फिर इसको इस वाले लास्ट वाले पॉइंट को ऊपर ड्रैग करना है एंड इस वाले को आप कर सकते हो इतना, एंड डन। इसको मैं कर देता हूँ इसके साथ मर्ज, नहीं सॉरी, हाँ यार इसके साथ मर्ज करने से ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, तो सेम सी बात है। तो ये हमारा फोग इफेक्ट तैयार हो चुका है, कैसे लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।